जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट मेवात के लोगों के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। इसकी वजह यह है कि मेवात हिंसा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तरफा बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ख़ुद वीडियो में देख सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम्स पे अटैक जो कर रहा है वो पूरा का पूरा फासिस्ट एजेंडा लेकर चल रहा है, तो इसे हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये बार बार इस तरह से हमारे आवाज को दमन कर रहा है ताकि हम अपनी अभिव्यक्ति ना कर सकें, हम लोग अपने अधिकारों की बात ना कर सकें, और हम पे ये लगातार एक रूपता बनाने के लिए लगातार अटैक करता जाएगा। तो अभी हम लोगों को सभी को साथ में आने की जरूरत है। बीजेपी, आरएसएस, इस तरह के तमाम लोग, बजरंगी, ये बिट्टू बजरंगी जैसे लोग, इन सबको जेल में डाल देने, बकायदा इनको फांसी तक जाने के लिए एक तरह से हम लोगों को डिमांड करना चाहिए कि इस तरह के लोग दंगे भड़काते हैं, शांति भंग करते हैं, और दंगे भड़काने के साथ साथ एक पूरा का पूरा एजेंडा लेकर चलते हैं ताकि हमारा देश बेच सके, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा सके, यहाँ की स्थिति अच्छी अच्छी दिखा सके, पर कुछ भी अच्छा है नहीं। तो आप सब ने देखा कि किस तरह मेवात हिंसा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ और एक तरफा बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अफसोस, जो काम हमारे सियासतदानों को करना चाहिए था वो काम हमारे छात्र कर रहे हैं। और ऐसे ही आपको बताते चले कि इस प्रोटेस्ट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र बिट्टू बजरंगी जैसे दंगई को फांसी देने की मांग भी कर रहे हैं। और जैसे ही ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बहुत से लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए लिखा है, जिसमें से शमा परवीन ने लिखा है कि मेवात हिंसा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तरफा कार्रवाई के ख़िलाफ़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट का विरोध प्रदर्शन। और ऐसे ही अशरफ हुसैन ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस प्रोटेस्ट की वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हरियाणा शासन प्रशासन के ख़िलाफ़ छात्रों का प्रदर्शन, नूह मेवात हिंसा के बाद मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का आरोप। बहरहाल आप सब ने देखा कि किस तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और ये साफ हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि क्यों एक तरफा कार्रवाई की जाती है और क्यों उन लोगों को सज़ा नहीं दी जाती जो इन तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार होते हैं। बहरहाल आप सब ने वीडियो देखी, आप सब की इस वीडियो के ताल्लुक से क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।